हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ हाउ टू फिल कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा। कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव डन प्रीवियस वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें दो फॉर्म भरने पड़ते हैं, जो कि हैं हमारा 5257 एंड 5707। अब जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे IMM 5257, ये आपका फर्स्ट लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और इसे डाउनलोड करके आप डेस्कटॉप में सेव कर लें। सेम उसी तरीके से गूगल में टाइप कीजिए IMM 5707 एंड देन IMM 5707 का लिंक फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करते डाउनलोड कीजिए और अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं फाइल ओपन करूँगा सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा। ओके तो ओके तो पहला ऑप्शन है UCI। UCI का मतलब है यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तब आपके पास होगा अगर आप पहले कनाडा विजिट कर चुके हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट CIC आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिलअप करें, अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नहीं होगा। तो सेकंड कॉलम में चलते हैं, आई वांट सर्विसेज इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करें। अगर आपको फ्रेंच आती तो फ्रेंच सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला है वीज़ा रिक्वेस्टेड। हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं और टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म भर रहे हैं, तो विजिटर वीज़ा पर सेलेक्ट करें, ठीक है। और अगला है पर्सनल डिटेल का कॉलम। पर्सनल डिटेल में आप फिल करें अपना नेम, जैसे मेरा नेम प्रकाश सिंह बादल, ठीक है। और यहाँ पे गिवन नेम में आप अपना नेम दे सकते हैं प्रकाश, राइट। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, अगर आपने इसके अलावा कोई और नेम यूज़ किया है तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ठीक है। गिवन नेम यहाँ पे भी आप अपना नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पे आपने सेक्स में मेल फीमेल, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ टाइप करें। इसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सपोज मेरा दिल्ली है तो आपका चंडीगढ़ है, पंजाब है तो आप पंजाब सेलेक्ट करें। अगला है कंट्री का, यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करें। ओबियसली आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, सिटीजनशिप इंडिया, आप इंडियन हैं तो इंडिया सेलेक्ट करें। और थोड़ा लेंथी फॉर्म है बट इसमें बहुत इजी है। कंट्री, करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अभी इंडिया में हैं तो इंडिया भरें, अगर आप कहीं और हैं तो इंडिया का, कहीं और हैं तो उस कंट्री का फिल करें। स्टेटस सिटीजनशिप, ठीक है आप सिटीजन हैं, अदर्स या छोड़ दीजिए। फ्रॉम जो करंट आपकी, सॉरी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप सिटीजन हैं इट मीन्स आप जब से पैदा हुए तब से रह रहे हैं, या फिर आप माइग्रेट हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जिस स्टेट में माइग्रेट हुए हैं, या फिर आप यहीं पैदा हुए हैं इंडिया में तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंड टू टिल डेट, जो करंट डेट आज फिल कर रहे हैं उसकी, ठीक है। प्रीवियस कंट्री कॉटलेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप पहले कहीं रह चुके हैं किसी और कंट्री में रह चुके हैं तो येस, अदरवाइज नो। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। और कंट्री वेयर अप्लाइंग, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एड्रेस, आपकी डिटेल सेम रहेगी, येस ओके। और आपका योर करंट मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं, डाइवोर्स हैं, सिंगल हैं तो उस हिसाब से फिल कीजिए। और डेट आज की, करंट डेट, अगर आप प्रोवाइड द डेट ऑन विच यू मैरिड, ठीक है।
और जिस डेट पे आपने शादी की है वो डेट लिखी है, और यहाँ पे आपका स्पाउस का नेम, आपकी वाइफ का नेम, आप गिवन नेम, ठीक है। तो ये फिल करें, बहुत ही ईजी है, लोगों ने खाली हवा बना के रखा हुआ है। कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा, आप एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बहुत इजी प्रोसेस है। पर्सनल डिटेल है अगला कॉलम हमारा, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड। अगर आप मैरिड हो तो मैं यस कीजिए, अदरवाइज नो। अगर आपने यहाँ पे यस किया तो आपको यहाँ पे और डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कब मैरिज हुई आपकी और आपकी कर और टू टिल डेट, ठीक है। लैंग्वेज आपकी मदर टंग क्या है, योर नेटिव लैंग्वेज क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ हिंदी, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करूँगा। अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो आप पंजाबी सेलेक्ट कीजिए, उड़िया बोलते हैं उड़िया सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, यस इंग्लिश एंड फ्रेंच। इन विच लैंग्वेज यू आर मोस्ट एट ईज, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश टाइप कीजिए, ठीक है। पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, कंट्री ऑफ इशू इंडिया, ठीक है। इशू डेट, किस डेट पे इशू हुआ है, और एक्सपायरी डेट, किस डेट पे आपका ये एक्सपायर होना है, एटलीस्ट आपका विजिट करने से पहले 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपका कोई पीओ बॉक्स है, पीओ बॉक्स फिल करें, अपार्टमेंट यूनिट, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, कंट्री ऑब्वियसली इंडिया, स्टेट प्रोविंस कौन सा स्टेट आप हैं, आपका पोस्टल कोड, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रेजिडेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, सेम एज मेलिंग एड्रेस, यस, अगर आप यस करते हैं तो वो ऊपर से आपका ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अगर आपका नो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल फिर से फिल करनी पड़ेंगी, जैसे अपार्टमेंट, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा, ठीक है। टेलीफोन नंबर, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका अदर्स में जाएंगे तो आपका सेलुलर नंबर, ठीक है, और कंट्री कोड 91, आपका फ़ोन नंबर, देन अल्टरनेट नंबर, कोई और अल्टरनेट नंबर है, अगर आपका नंबर कहीं कभी आउट ऑफ रीच होता है तो एम्बेसी आपसे किसी और नंबर पे कांटेक्ट कर सके, तो अल्टरनेट नंबर, आजकल सभी लोग दो नंबर रखते हैं तो अपना अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे। फैक्स नंबर, अगर आपके ऑफिस में फैक्स मशीन लगी हुई है, आपका कोई फैक्स नंबर है तो आप यहाँ पे फैक्स नंबर दे सकते हैं, और फैक्स नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ईमेल एड्रेस आपका, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू आपको मेल करेगी, तो आपका ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली वो लोग ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ विजिट टू कैनेडा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने ये यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ओके, केयरफुली इसे फिल करें। पर्पज़ ऑफ विजिट, अब देखिए आप किस लिए विजिट कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली विजिट, अगर आप फैमिली विजिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, कुछ फैमिली इनविटेशन लेटर, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू गोना बी स्टे देन, ओके, फ्रॉम डेट, सपोज अब मैं आज की डेट से, आज की डेट से तो नहीं हो पाया क्योंकि आज एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, सपोज आप नेक्स्ट मंथ 15 या 17 से आप स्टे करेंगे और अक्टूबर 25 तक आप वहाँ रहेंगे, ठीक है। फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे, एटलीस्ट आपके पास 5,000 कैनेडियन डॉलर्स होनी चाहिए, ठीक है। नेम, एड्रेस और रिलेशनशिप, अगर आप फैमिली विजिट पे हैं तो उनका नेम, ठीक है, ये यहाँ पे उनका पूरा नेम, रिलेशनशिप टू मी, अगर आप अंकल पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे अंकल लिखिए, ठीक है, और एड्रेस इन कैनेडा, आप अपने अंकल से अपना एड्रेस ले सकते हैं जहाँ भी आप विजिट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड के पास विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड का एड्रेस यहाँ पे आएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट है डिटेल्स ऑफ विजिट टू कैनेडा टू बी कंटिन्यूड, ओके। नेम, रिलेशनशिप, सेम थिंग, ओके। एडुकेशन, नेक्स्ट एडुकेशन, एडुकेशन में आपने ये फिल करना है, ये बोलता है हैव यू हैड एनी
पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन येस, अगर आप येस क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन लिखनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन फील्ड ऑफ स्टडी स्कूल फैसिलिटी नेम आई मीन यूनिवर्सिटी नेम फ्रॉम टू टू कितने साल में पास कंप्लीट किया आपने सिटी कहाँ पे इंडिया प्रोविंस कौन से स्टेट से आपने आपकी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में थी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन आपने फिल करनी है। मास्टर्स किए एमबीए एमसीए कुछ भी किया हुआ है आपने तो यहाँ पे आप वो फिल करें जो हाईएस्ट एजुकेशन है। ओके अगला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपने कब कहाँ करंट एक्टिविटी ठीक है ये फ्रॉम जॉब फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं। अगर आप करंट जॉब कर रहे हैं ये आपने पूरा डिटेल फिल करनी किस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं कौन सी सिटी में आपकी कंपनी है कंट्री स्टेट ठीक है। ये प्रीवियस आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो आपने ये प्रीवियसली आपके अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करने हैं ठीक है। ओके नेक्स्ट है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीटेड दिस सेक्शन इफ़ यू आर 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। अगर आप 18 साल के हैं 18 साल से बड़े हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके नेक्स्ट है विद इन द पास्ट टू ईयर्स हैव यू और योर फैमिली मेम्बर हैड ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपके फैमिली मेम्बर को टीवी है या फिर आपके किसी क्लोज पर्सन को है टीवी है या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में हैं जिसको टीवी है ये पूछ रहा है यस या नो। नो डू यू हैव क्योंकि अगर आप यस करते हैं मे बी आपका वीज़ा डिनाइड हो सकता है आपका मेडिकल चेकअप हो सकता है तो यहाँ पर बेटर है कि आप नो कीजिए। डू यू हैव एनी फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर नो ठीक है। और अगर आपने यस किया तो यहाँ पे आपके आंसर्स आपने पूरा टाइप करने हैं। ओके नो कीजिए हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेंट स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इन कैनेडा फर्स्ट टाइमर हैं नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा और परमिट डिनाइड फर्स्ट टाइम है हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं नो। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर रिमेन इन कैनेडा नो ठीक है। ओके नेक्स्ट है सेक्शन का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का आगे बढ़ते हैं ये बोलता है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीइंग चार्ज विद और कन्विक्टेड किसी क्राइम में किसी भी कंट्री में आपने कुछ क्राइम किया हुआ है नो ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू सर्व इन मिलिट्री पुलिस एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने सर्व किया है तो यस कीजिए अदरवाइज जिसको आप नो कीजिए। ओके अगले सेक्शन में बढ़ते हैं आर यू और हैव यू बीन अ मेंबर ऑफ एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो यस अदरवाइज नो। हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स नो स्ट्रिक्टली नो। ओके डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाई सी आई सी और ऑर्गेनाइजेशन एट सी आई सी रिक्वेस्ट इन फ्यूचर यस। ये पूछ रहा है कि आपको सी आई सी आई मीन सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन ऑफ कैनेडा आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है यस या नो आपने यहाँ भी आस्क करना है। ओके नेक्स्ट सेक्शन है आपका सिग्नेचर। आपने ये देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है ये जो फॉर्म है यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा ये डिजिटली सिग्नेचर है डिजिटल सिग्नेचर आई मीन आपको सिग्नेचर पैनल में जाके सिग्नेचर करना है। ये नहीं आप ये मत कीजिए कि इसका प्रिंटआउट निकाला और सिग्नेचर करके फिर अपलोड कर लिया नहीं आपने ऐसा नहीं करना है इसको डिजिटल सिग्नेचर देना है और करंट डेट आपने देनी है जिस डेट पे आप फॉर्म फिल कर लें। ओके नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं ये डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन है इसमें ये बोला गया कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है ये वैलिड है ट्रू है। ओके तो जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर लिया सारी इन्फॉर्मेशन डाली तो आपके वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें वैलिडेट ऑप्शन बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ एरर छोड़ी है ठीक है कहाँ कहाँ एरर है आपके जैसे इसमें ये एरर दिखा रहा है पर्सनल डिटेल्स मैंने कहीं ना कहीं पर्सनल डिटेल्स फिल करने में गलती की हुई है तो सबमिट करने से पहले ही आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा। वैलिडेशन करने का ये प्रॉब्लम ये बेनिफिट है कि आपकी कोई भी आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं छूटती। ओके ठीक है तो ये फॉर्म आपको फिल करना आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म में।
क्योंकि है 5707। ओके, फर्स्ट सेक्शन में आपने फिल करना है नेम अपना, एप्लीकेंट नेम, दिस इज एप्लीकेंट नेम। इसमें आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन आएगा, आपका नेम अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, कंट्री कोड, डेट, ठीक है, ऑक्यूपेशन, ये सब आएगा। इधर आपका स्पाउस, अगर वाइफ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, उनका एड्रेस, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स आई मीन प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर आपका यहाँ पे आपके मदर इन्फॉर्मेशन आएगी, एड्रेस, फादर इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी है चिल्ड्रन। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आपकी किड्स इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे आपका नेम, किड्स का, आपके किड का नेम, रिलेशनशिप्स, शादी हो गई तो शादी, नहीं है तो नहीं, ठीक है, और स्टूडेंट सेम अपने किड का नेम आपके यहाँ पे आएंगे। और सेक्शन सी है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में ये बोला गया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है ये करेक्ट है, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे आपने डिजिटल सिग्नेचर करने हैं और इसको फिर आपने प्रिंट आउट करना है, जिससे यहाँ पे बोला है इन्होंने टाइप और प्रिंट इन ब्लैक इंक, कलर में ना करें, ब्लैक एंड वाइट में आपने इसको प्रिंट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने इसको सर्टिफाई किया है, आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नीचे, हाउ टू फिल द फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको ये बोलता है दिस फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 18 ईयर और एज ऑफ ओल्डर, एज और ओल्डर, ठीक है। अगर माइनर है तो लेस देन 18 ईयर ऑफ एज है और ट्रैवलिंग अलोन, देन दे नीड टू फिल इट फॉर्म। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब फॉर्म फिल करना आ चुका है, आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और कनाडा विजिट करके आइए, एंजॉय योर ट्रिप। ओके, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इमीडिएट हेल्प करूँगा। आप चाहें तो हमारा फेसबुक पेज मिशन एब्रॉड आप लाइक करें, ताकि मैं आपको करंट जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो करंट वीडियो आप तक पहुँच सके, और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।